नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको हम शॉर्ट में कैट के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, व्हाट इज कैड, एडवांटेजेस ऑफ कैड, एप्लीकेशन ऑफ कैड एंड कमांड्स यूज्ड इन कैड, यह कंप्लीट डिटेल आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल एंड आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप कैड से संबंधित क्वेश्चन कर सकें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कैड क्या होता है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले देखें कैड। द कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का जो फुल फॉर्म होता है वो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD इज अ कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर। जो CAD है यह कंप्यूटर एडेड डिजाइन फुल फॉर्म होता है और यह एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है। जैसे ऑटो CAD हो गया, CAD हो गया, CAM हो गया, CAE हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे हम क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। विच यूज्ड इन डिजाइन प्रोसेसेस मींस ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हम किसमें करते हैं, डिजाइन प्रोसेसेस में। CAD software is frequently used by different type of engineers and designers. जो CAD software होता है, इसका उपयोग किया जाता है अलग अलग प्रकार के वर्क के लिए engineers and designers के द्वारा। This software we can be used to create. इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हम 2-dimensional and 3-dimensional object या models को create करने में उपयोग करते हैं। ठीक, अब जब पर्पस है, मेन उद्देश्य होता है जो कैट का, ये हमारा इंक्रीज करता है प्रोडक्शन, इंक्रीज कर देता है प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लेवल ऑफ डिजाइन। जो डिजाइन स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेप आपका डिजाइन होता है, तो इसकी क्वालिटी एंड लेवल को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, फाइल्स होती है, इसको भी हमारा क्या करता है, इम्प्रूव करता है। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्योंकि आप जानते हैं, जो आपकी ट्रेडिशनल डिजाइन होती है, जैसे कि आप कोई भी डिजाइन पेन पेंसिल से बना रहे हो, तो इसमें आप पेन पेंसिल ड्राफ्टर स्केल का यूज करते हो, तो दैट कंज्यूम मोर टाइम एंड नॉट एक्यूरेट, उसमें एरर्स हो सकती है। लेकिन जो हम कंप्यूटर के थ्रू डिजाइन बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, उसमें एक्यूरेसी अच्छी होती है और लेस टाइम कंज्यूम होता है और क्लियर दिखती भी है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जब हम कंप्यूटर के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की डिजाइन करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब इसके क्या फायदे हैं, हम एक नॉर्मल पेन पेंसिल वाली की बात करें, डिजाइन करने की, कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रा करने की, या हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से करें, तो इसके जो फायदे हैं, लोअर प्रोडक्शन कास्ट फॉर डिजाइंस। डिजाइन में जो प्रोडक्शन कास्ट होती है वो कम होती है। हायर क्वालिटी डिजाइन, जो हम डिजाइन बना रहे हैं, किसी भी मॉडल्स को बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। क्विक प्रोजेक्ट कंप्लीशन मीन्स, क्विक का मतलब है इसमें जल्दी हमारा जो काम है, प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आप मैनुअली करेंगे, अपने हाथ से बनाएंगे, एक एक डायमेंशन को मेजर करके बनाएंगे, दैट रिक्वायर्ड मोर टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। बट यदि हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है वो शीघ्र हो जाता है। इजी एडिटिंग, इसमें एडिट करना आसान होता है, किसमें, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। हायर एक्यूरेसी, इसकी जो एक्यूरेसी होती है बहुत ज़्यादा होती है। एंड क्लियर डिजाइन, इसकी जो डिजाइन होती है वो हमको क्लियर मिलती है। एंड जो ऑटोकैड से डिजाइन करते हैं डिजाइन इंजीनियर्स, इसके और भी कई सारे फायदे होते हैं। ठीक, अब देखेंगे एप्लीकेशन। तो जो हमारा ऑटोकैड, सॉरी एप्लीकेशन है कैड की या ऑटोकैड की, कैड इज यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज, या कंप्यूटर एडेड डिजाइन यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ प्रोफेशन सच एज, जैसे कि
आर्किटेक्ट कंप्यूटर का यूज करते हैं। कोई भी बिल्डिंग का नक्शा बनवाना है आपको, कि आपकी बिल्डिंग कैसे डिजाइन करवाना है, तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर पर जाके आर्किटेक्ट से क्या करोगे, उसका पूरा नक्शा बनवाओगे, मॉडल बनवाओगे, उस तरह का आप बिल्डिंग का अपना कंस्ट्रक्शन करोगे। प्रोडक्ट डिजाइनर्स के द्वारा उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स में भी उपयोग किया जाता है, मैन्युफैक्चरर्स उपयोग करते हैं, फैशन डिजाइनर्स उपयोग करते हैं, ग्राफिक इंजीनियर्स उपयोग करते हैं, किसका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का, इंजीनियर्स एंड सिटी प्लानर्स। ऑल दीज प्लेसेस यूज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मींस इसका उपयोग मैन्युफैक्चरर में, जैसे कि आपने कंप्यूटर पर कोई भी डिजाइन बनाई, उस डिजाइन को हम प्रिंट ले लें, प्रिंट लेने के बाद हम मशीन शॉप पे वहाँ डिस्प्ले करके उसको देख देख के अपने ऑब्जेक्ट को, फिजिकली ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। सिमिलर फैशन डिजाइनर है, किसी भी क्लोथ या कोई कपड़े या नई कटिंग करना, कोई डिजाइन करना है तो उसको भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज होता है। सिटी प्लानर, इंजीनियर्स, ये सब जगहों पे हमारा जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है इसका उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे कमांड्स। कंप्यूटर एडेड डिजाइन या ऑटोकैड में कौन कौन सी कमांड्स हैं जो कि उपयोग की जाती हैं, तो द फॉलोइंग गिवन बिलो कमांड्स वी यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फर्स्ट लाइन, सपोज आपको सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर को जैसे आप अपने सिस्टम पे स्क्रीन पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसका जो मेनू बार होगा उसमें सारी कमांड्स मेंशन होंगी। इस कमांड में जैसे सबसे पहले हम लाइन, यदि हमको कोई लाइन क्रिएट करना है, लाइन ड्रा करना है, तो हम लाइन कमांड को क्लिक करेंगे, उस पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को रेक्टेंग कमांड यूज होती है, हमको रेक्टेंगल कहीं बनाना है, कितने एरिया का बनाना है, कितनी ब्रेथ रखना है, कितनी थिकनेस रखना है, रेक्टेंगल कमांड को सेलेक्ट करेंगे, डायमेंशन फिट करेंगे, इंटर मारेंगे, रेक्टेंगल उस साइज का बन के रेडी हो जाएगा। तो लाइन कमांड होती है, रेक्टेंगल कमांड होती है, सर्कल कमांड, आपको किस डायमीटर का सर्कल ड्रा करना है, आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन में वो डायमीटर फीट करेंगे और आपका उस साइज का सर्कल, आपका जिस जगह पे आपको ड्रा करना है उसको आप ड्रा कर सकते हैं। अंडू कमांड, शॉर्ट फॉर्म यू, शॉर्ट फॉर अंडू, यू जो है वो क्या है, अंडू कमांड है, हमको वापस बैक जाना है, अंडू कर दें। सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्टिंग कमांड भी होगी, जिससे आप क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, ये फैसिलिटी होती है। इरेज कमांड होती है, इरेज मींस कोई भी डायमेंशन को आपको इरेज करना है तो इरेज कमांड को आप चूज करेंगे और इस कमांड की सहायता से आप उस डायमेंशन को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। मूव या कॉपी कमांड, हमें अपने डिजाइन को या ड्राफ्टिंग को मूव करना है या एक जगह से दूसरी जगह पेस्ट करना है तो इसको मूव कमांड होती है या इसको हम काफी कमांड भी बोलते हैं। इसकी सहायता से हम अपनी डिजाइन या ड्राइंग को एक जगह से दूसरी विंडो में या दूसरे स्लाइड पे ले जा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ट्रिम कमांड, ट्रिम कमांड भी होती है, ट्रिम कमांड से हम क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं, कोई भी लाइन, कोई भी जगह पे आपको कहीं भी कट करना है, ट्रिम करना है, तो वहाँ पे हम ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद एक्सटेंड कमांड होती है, ऑफसेट कमांड होती है, एक्सटेंड में आपको अपनी मॉडल से उसकी साइज को एक्सटेंड करना है तो हम एक्सटेंड कमांड का यूज करेंगे, यदि आपको किसी एक जगह से थोड़े दूर ऑफसेट करना है तो उसको आप ऑफसेट कमांड का उपयोग कर सकते हो। इन सभी कमांडों के आप लोग यदि एग्जाम में आता है तो इसमें आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे लाइन कमांड में लाइन ड्रा करके दिखा देना है दो बिंदु पे, कि इस लाइन कमांड से हम लाइन को क्रिएट करते हैं, रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल को क्रिएट किया जाता है, सर्किल से सर्किल को, छोटे छोटे से पेंसिल से डायग्राम बना के आप रिप्रेजेंट एक एक दो दो लाइन में कर सकते हो। तो ये सभी कमांड्स हैं जो इसका उपयोग हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन में करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।